जा भाई एक रेस हो जाए। नहीं भाई सॉरी मैं हार गया। हे डरपोक। अरे भाई तुम तो उसको हरा सकते थे, फिर तुमने हार क्यों मान ली? भाई मुझे पता है मैं उसे हरा सकता था, लेकिन यार ये बाइक मेरे दोस्त की है और अगर मैंने इससे रेस लगाई और इस बाइक को कुछ हो गया तो मेरा दोस्त मुझे नहीं छोड़ेगा और पूरी भरपाई मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। यार ये वो लोग होते हैं जो खुद को बचाने के लिए दूसरों के पिछवाड़े दांव पर लगा देते हैं। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। कसम से यार मुझे सबसे बुरे वो लोग लगते हैं जो बाइक को रोड पर नागिन बना रहे होते हैं और तब तक नागिन बनाते हैं जब तक रोड उन्हें डस नहीं लेता। यार महिलाएं तो हमारी देश की इतनी आगे निकल चुकी हैं कि कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यार दो आदमी एक बाइक पर तो यार बहुत नाइंसाफी है। एक दो तीन चार पाँच छः, वाह क्या सीन है। यार मुझे लगता है इनके खानदान में सिर्फ इतने ही लोग हैं, क्योंकि अगर और होते तो पीछे बैठे हुए वो भी अभी दिखते। यार मुझे लगता है एक ट्रक से ज्यादा सामान एक बाइक ले जाती है आज के टाइम पर। अंकल जी का तो मजे लेते हुए जा रहे हैं, लेकिन अंकल जी को पता नहीं है आगे ही रमेश का ट्रक खड़ा और अगर उसमें भिड़ गई तो अंकल जी के टोटे टोटे हो जाएंगे। वाह क्या सीन है। यार तुम्हें क्या लगता है ये बराबर में जो चार बंदे खड़े थे क्यों खड़े थे? ये सिर्फ एक ही शर्त पर खड़े थे कि हमें शाम को बिरयानी चाहिए और नहीं मिली तो तेरी टिकटॉक से वीडियो ही डिलीट कर देंगे। यार अगर ये थोड़ी सी और यारी दिखा देता ना तो पीछे वाले का मुंह जमीन से चिपका हुआ होता अभी। यही होता है जब किसी को मुर्गी के दौरे पड़ते हैं। चलो भैया बहुत नाच लिया, मैं जा रहा हूँ। अंकल ने शादी से पहले दो पैग लगा लिए थे इसीलिए इतने फुर्तीले नजर आ रहे हैं। यार हमारे देश में यही तो दिक्कत है, दो पैग मारने के बाद आदमी सांप की तरह लहर जाता है और लहरने के बाद लोगों को डसने लगता है। जब दो सांप लड़ते हैं तो कुछ इस तरीके का मंजर देखने को मिलता है। अब यार ये वो लोग होते हैं जो शादियों में अपने हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं और इनके हेलीकॉप्टर बहुत ही जल्दी क्रैश भी हो जाते हैं। वाह क्या सीन है। जब दो हेलीकॉप्टर एक ही जगह पर उड़ाओगे तो कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है। नहीं यार मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सा तरीका है खाना मंगाने का? भाई को ऐसे खाना तो नहीं मिलेगा लेकिन सामने वाले का जूता जरूर चखने को मिलेगा।
यार इन अंकल का तो कतई अलग ही स्वैग है, पता नहीं इनके दिमाग में ऐसा क्या आया जो ये उसी टाइम नाच पड़े। अभी तो यार अंकल ने सिर्फ और सिर्फ वाइपर से गोलियां चलाई हैं, अभी तो तोप चलनी बाकी है। यार इस बंदे को गिरने के बाद भी शर्म नहीं आती है। वाह क्या सीन है। भाई गिरा है या कुछ भी हुआ है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गिरा हूँ, क्योंकि ये तो मेरा एक स्पेशल डांस मूव था। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने इनके पिछवाड़े में बिजली के तार लगा दिए हैं।